हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 45 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे नंबर 29। सो देखते ही देखते गए, डे 29 भी कब हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला, बिकॉज मुझे इतना मजा आने लगा है वर्कआउट करने में कि मेरा डे बिल्कुल इनकम्प्लीट है विदाउट डूइंग वर्कआउट। चाहे मैं 30 मिनट्स का करूँ, चाहे 40 मिनट्स का करूँ या वन आवर का करूँ, बट मेरे लिए वर्कआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट हो चुका है मेरी लाइफ में। और ये मैं सबको ही रिकमेंड करूँगी, सबको एडवाइस दूंगी कि ज़रूर अपना वर्कआउट जो है अपनी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बना के रखे गाइज, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो देखिए कुछ भी नहीं है। तो बस यही चीज़ें हैं गाइज जो हमें आगे चल के हमें फिट रखेंगी। तो वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट के साथ साथ हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वर्कआउट हम जो कर रहे हैं गाइज, देखिए क्या होता है ना, उससे हमें बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं ना, बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। जब तक मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं करा था, मैं काफ़ी मेरा वेट गेन हो चुका था, मतलब आप देख लीजिए 76 केजीज था और अब मेरा 56 केजीज है। तो 76 जब केजीज था, मतलब 70 जब अबव भी था मेरा, तो उस टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा लेजीनेस फील होता था, इतना टायर्डनेस और इतना ज़्यादा फिटिक फील होता था कि मतलब मुझे कुछ भी करने का नहीं मन करता था, ना ही वर्कआउट की तरफ तो मेरा ध्यान जाता ही नहीं था गाइज। तो इसलिए कहते हैं ना, जब तक आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और एक डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिटर्मिनेशन होना इसलिए ज़रूरी है गाइज, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और मेरा मानना यही है कि देखिए, कोई आपको चाहे मोटिव हो या ना हो आपका, और आपको कोई मोटिवेट करे या ना करे, आप खुद ही मोटिवेट हो जाइए गाइस, बिकॉज हर किसी की लाइफ में हर कोई मोटिवेट नहीं करने वाला होता है। और कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी होंगे कि जब आप एक अच्छी राह पे चलने लगोगे, एक अच्छे मुकाम को आप हासिल कर लोगे, तो बहुत आपके आसपास ही लोग आपसे जलने वाले होंगे, जो जेलस फील करेंगे कि इसने ये कैसे कर लिया, बिकॉज ये मेरे साथ है और मैं ये चीज़ फेस कर रही हूँ। तो बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी लाइफ में जो करना चाहती हूँ मैं बस वो कर रही हूँ, और अपनी फैमिली को देख रही हूँ, अपने बच्चों को, इन लॉज को, हस्बैंड को और अपने आप को, तो सबसे पहले देखना है मुझे, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी मैं हूँ, उसके बाद सेकेंडरी मेरे बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ। बिकॉज अगर गाइस मैं अपने आप को ठीक नहीं रखूँगी तो देखिए मेरे अलावा मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा एक पिलर है, जो मुझे हर एक चीज़ में मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है चीज़ें करने के लिए, तो आप ज़रूर करिए, और अगर नहीं भी है तो भी आपने करना है। तो मेरा मानना तो ये गाइस, लाइफ में अपने लिए करो जो करना है, अपने आप के लिए करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी वही गाइस, सबसे पहले हम करेंगे 3-4 मिनट्स के लिए स्ट्रेचिंग, आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, एंड 4-5 मिनट्स मैक्सिमम इनफ है अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद हम फॉलो करेंगे आज का वर्कआउट, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, सेट्स हैं, रेपिटेशंस, नंबर, सब कुछ मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो बताना गाइस कैसा रहा आपका वीकेंड, कैसा रहा आपका सैटरडे संडे, आपने क्या क्या खाया, क्या क्या चीट डे था आपका। तो मैं अपना बताती हूँ गाइस, मैंने तो देखिए मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ पर जो है मैंने पिज़्ज़ा खाया, लेकिन मैंने क्वांटिटी को बहुत कंट्रोल रखा, पोर्शन को, थोड़े से नूडल्स खाए थे, तो इस तरीके से जो है गाइस, एंड डिनर भी थोड़ा लेट हो गया था, जो मैक्सिमम मेरा मंडे टू फ्राइडे मेरा जो है जल्दी हो जाता है, वो वीकेंड्स पे थोड़ा लेट हो जाता है, बिकॉज थोड़ा होता है ना फैमिली टाइम हम इन्जॉय करते, तो उस टाइम हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते हर एक चीज़। तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर हम बाहर गए तो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि आपको उसी टाइम पे ही आपको डिनर मिलेगा, तो ठीक है कभी कभी चलता है। और बाकी गाइस देखिए, मैं तो सैटरडे संडेज को अपना चीट डे बना के रखती हूँ, लेकिन मुझे अपने माइंड में ये पता है, सेट करा हुआ है मैंने कि मुझे कितनी क्वांटिटी खानी है, कितना पोर्शन कंट्रोल करके रखना है। मेरा तो कुछ इस तरीके से रहा वीकेंड, और आप लोग भी ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में आपने क्या क्या खाया, कैसे इन्जॉय किया। और हम लोग शायद, हाँ मैंने आइसक्रीम भी खाई थी गाइस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने आइसक्रीम भी खाई थी जो कि थी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, तो आप खुद देख सकते हो। और इसके बाद गाइस आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि मेरा वेट अपडेट क्या है। इस आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना वेट अपडेट भी दूंगी, मतलब आप देख सकते हो मैंने नूडल्स खाया, पिज़्ज़ा खाया, और कोई टाइम नहीं था मेरा, मतलब फिक्स कोई टाइम नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने कितना खाना है, साथ में मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी जिसमें शुगर था, तो लेकिन मुझे सब पता है कि मुझे खाना कितना है। टेस्ट बर्ड्स को मुझे कंप्लीट भी करना है, और ये भी पता है मुझे कि मुझे कितना खाना है। अब मैंने जो
कॉफ़ी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी जिसमें आइसक्रीम भी थी गाइज, उसका मैंने जो लिया था वो स्मॉल साइज लिया था, ठीक है। तो आप स्मॉल साइज में खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसमें सिर्फ अकेले मैंने नहीं, मैंने शेयर भी किया था। तो इस वजह से गाइज आप लोग खुद देखना आज का मेरा वेट अपडेट क्या है, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था उसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना कि मेरा वेट अपडेट क्या है। और आप प्लीज़ चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपने क्या खाना है। मेन देखिए वर्कआउट तो है ही, आपकी डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आप ड्यूरिंग योर वेट लॉस और वेट मेंटेन। और बाकी गाइस देखिए मैं जो वर्कआउट कर रही हूँ ना, ये बिगिनर्स के लिए, और एडवांस लेवल का भी हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना, आप इंजॉय कर रहे हो ना, आपका वेट लॉस हो रहा है। और इसी तरीके से बस मुझे प्यार देते रहिए गाइस, बहुत जल्दी हमारी फैमिली 5K होने वाली है, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को गाइस लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज उससे मुझे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, उससे मुझे पता लगता है कि हाँ मेरे वीडियोस को कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को, मेरे वर्कआउट को पसंद कर रहे हैं। और जो जितने भी लोग मेरे न्यू चैनल पे आते हैं वो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं, बिकॉज उससे भी मुझे एक मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो बस चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आज का वर्कआउट, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे बिकॉज मैं पकाना नहीं चाहती हूँ आप लोगों को, आप इंजॉय करो आज का वर्कआउट और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना वेट अपडेट और आज की फुल डे की डाइट।
गाइज ये है मेरा वेट अपडेट, तो आप देख सकते हो मेरा वेट उतने का उतना ही है, बिल्कुल भी ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, बिकॉज ज़्यादा तो मैं चाहती नहीं थी, कम मैं करना अभी चाह नहीं रही हूँ बिकॉज मैं इतना ही चाहती थी। और मतलब खाना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खा रहे हो। तो चलिए फिर शेयर करते हो आज की डाइट। तो उससे पहले आपने देख लिया कि मैंने मॉर्निंग में लिया था अपना लिकॉम वाटर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए सोक्ड एलमंड्स। ब्रेकफास्ट में मैंने वर्मासेली बनाई थी, जो कि थोड़ी मैंने नूडल्स स्टाइल में बनाई थी, लेकिन ये वर्मासेली हेल्दी है, ये सेमोलिना वाली होती है, साथ में मैंने विदाउट शुगर ली थी। और इसमें थोड़ी सी मैंने बिल्कुल हाफ हाफ टीस्पून जो है मैंने सॉसेस डाली थी, तो ये काफ़ी यमी लगती है आपको, एक नूडल्स की क्रेविंग भी आपकी फुलफिल हो जाती है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे मिड मॉर्निंग ब्रेक में गाइस पेयर लिया था, तो पेयर लो इन शुगर होता है एंड सीजनल फूड है, आप ज़रूर खाया करें सीजनल फूड। लंच में मैंने यहाँ पे बैंगन मसाला लिया था, जिसमें मैंने बहुत जो है कम ऑयल डाला था और मसाले भी बहुत कम थे, साथ में पनीर की भुर्जी, कर्ड सैलड एंड वन चपाती जो कि मल्टीग्रेन रहती है। गाइस इस तरीके से गाइस पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इतना सब कुछ खाया वीकेंड पे, मतलब बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जितना मैंने खाया वो सब कुछ अनहेल्दी था, लेकिन मुझे ये ध्यान था कि मुझे खाना कितना है कितना नहीं, तो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इवनिंग में मैंने गई यहाँ पे जो मेरे पास मॉर्निंग की थोड़ी सी वर्मासेली बच गई थी, तो मैंने सोचा कि उसको वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज नेवर वेस्ट योर फूड, बिकॉज वो बहुत डिफ़िकल्टी से कमाया जाता है गाइज। तो इसलिए मैंने अपनी वर्मासेली को फिनिश करा, साथ में इवनिंग स्नैक में लिया था साथ में विदाउट शुगर टी। डिनर में मैंने यहाँ पे बॉइल्ड दलिया लिया था, जिसमें मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला था, ओनली सॉल्ट और बस सॉल्ट डाला था, और साथ में मैंने ग्रीन चिली सैलड और ब्लैक चने लिए थे। ब्लैक चने में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, और साथ में लिया था थोड़ा सा मैंगो पिकल। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का फुल डे का डाइट। तो जिसे भी अच्छा लगा है गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके वेट लॉस में और वेट मेंटेन में। तो लाइक ज़रूर करना, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।